हमारा ये मानना है कि आज का हिंदुस्तान और हमारी सरकार केवल और केवल उनके पास एक एजेंडा है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, हिंदू को सिख से लड़वाओ, हिंदू को ईसाई से लड़वाओ, और एक इस प्रकार का विभाजन का माहौल पैदा करो जहां देश के बहुमत को, अपने अस्तित्व को खतरा महसूस करने हो जाए, और उस खतरे से बचाने के लिए फिर भाजपा और मोदी जी आगे आ जाए। ये उनकी एक सीधी सी थ्योरी रही है, और वो इसको इस जातीय और धार्मिक विभाजन में लगातार अपनी जीत तलाशते हैं। जब जब धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर दंगे या विभाजन होते हैं तो स्वाभाविक तौर से तरक्की गौण हो जाती है, विकास पीछे छूट जाता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बिजली घर, सड़क, पुल, शिक्षा, रोजगार, खेती, बहदूदी, ये कहीं ना कहीं कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं और सरकार अपनी जवाबदेही से बच जाती है।